हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे, आपके घर में सब ठीक ठाक होंगे। माता रानी जी आपके घर में खुशियां बरसाए, ढेर सारी खुशियां आए। और आज है एकादशी का जो ब्लॉग, आज है पापा कुछ है एकादशी। और आज मैंने पहली बार व्रत रखा है एकादशी का बाबा जी के दया से। कभी सोचा नहीं था, बहुत मन में किलस्ती थी कि सब एकादशी का व्रत रखते हैं, मैं ही क्यों नहीं रख पाती। लेकिन कहते हैं ना, बच्चे रोए और भगवान ना सुने, ऐसा हो नहीं सकता। तो उन्होंने मुझे, तो आज भगवान ने पहला एकादशी व्रत रखवाया है मेरे से, और ये साथ में बैठी अपना काम कर रहे हैं। तो आज बस सुबह उठी हूँ, बच्चों को नाश्ता दिया, मूली के पराठे बना के दिए हैं दोनों को, और उसके बाद अपने घर का काम किया। और श्रीमान जी ने हमारी हेल्प कर दी घर के काम के लिए, इसलिए जल्दी से काम हो गया। अभी बज रहे हैं 11। इसके बीच में नहाना धोना, मंदिर जाना, सब कुछ हो चुका है। और अब करके आई हूँ मैं पूजा, और एक बना के आई हूँ अच्छी सी वीडियो अपने भगवान के नाम की। और चलो हम आपको अपने मंदिर के, घर के मंदिर के दर्शन करवाते हैं। और ये जैसे कि मैं अपने घर के मंदिर को तो हमेशा ही दिखाती हूँ वीडियो में। कल हम एक दशहरा ग्राउंड गए थे, तो हमारे लड्डू गोपाल जी अपने लिए लेकर आए हैं मोर पंख। ये है पूरा मोर पंख, और इसके अलावा हमने कोई शॉपिंग नहीं की है, बस लड्डू गोपाल जी के लिए मोर पंख आया है। ज्योत बत्ती हो चुकी है, और मुझे एकादशी के व्रत का ज्यादा पता नहीं है विधान। तो जो मेरी फ्रेंड्स है वो एकादशी के व्रत करती है, बस उनसे ही पूछा है। आज का आ चुका है हमारे कृष्ण कन्हैया, राधा रानी जी ने और सारे देवी देवताओं ने आज के कीर्तन का न्योता दे दिया है। कीर्तन का न्योता आ चुका है भाई, पता नहीं, मुझे नहीं पता क्या है, सजावट की चीज है ये, पर मैं लेकर आई हूँ अपने मंदिर के लिए। जब दिवाली के पास अभी मंदिर दोबारा सजाएंगे, थोड़ी सी डेकोरेशन करेंगे, तो उसके बाद ये भी लगाएंगे, बच्चों की हेल्प से लगाऊंगी ये। अब जैसे कि पता है कि दिवाली आ रही है, साफ सफाई एक्स्ट्रा शुरू हो जाएगी, तो पर्दे वर्दे सब धोने हैं। ये महाशय अभी थोड़ी देर पहले इतनी बातें कर रहे थे, कि बिना ये बोल ये बोल। मैंने कहा कोई बात नहीं, हम दोनों बोलेंगे क्योंकि ये तो फैमिली ब्लॉग है। लेकिन जैसे मैंने कैमरा ऑन किया, इन्होंने चुप्पी चुप्पी साध ली बिल्कुल। देख लिए, ये हाल है। तो आप लोग कमेंट करके बताओ, जो भी लेडीज है, कि आपके हस्बैंड भी ऐसा करते हैं? बिल्कुल भी बात नहीं करते, जवाब ही नहीं देते, मीडिया के आगे बिल्कुल भी बुरा नहीं बनना चाहते, या मेरे पास ही, मैंने 1600 व्रत के व्रत किए थे। मैं आपको बता दूं, 1600 बार के व्रत किए थे, जिस दिन मैंने उद्यापन करना था ना, और उद्यापन कर दिया भोले बाबा जी के मंदिर में जाके, और सारा काम कर दिया, पूजा पाठ कर ली, सब कुछ कर ली। और लास्ट में कह के जो बाबा जी की फोल्डिंग थी ना, वो गलती से पलटा के आ गई थी। वो पलटा के आई तो भोले बाबा जी ने इतनी बड़ी मेरे को सजा दी। ये अभी कैमरा बंद था तो दुनिया भर की बातें बोली, जैसे कैमरा ऑन हो गए चुपचाप हो गए। लेकिन मेरे भोले बाबा जी ने सच में ही, जैसे खुद भोले बाबा वैसे मेरे जो स्वामी जी है वैसे ही भोले हैं, बहुत अच्छे हैं। गऊ के दान कर रखे हैं मैंने, जो ऐसे स्वामी जी मिले, और सातों जन्म मुझे यही पति देव चाहिए। अब ये बोले कि ये तेरा सातवां ही जन्म है। बोलो। नहीं बोलेंगे आप सबके सामने। तो अब हो चुका है कीर्तन का टाइम, और हम आ चुके हैं अपने फ्रेंड के घर में और जा रहे हैं कीर्तन। ये मोमेंट मिलेंगे नहीं मिलेंगे। I'm not afraid of the dark.
बड़ा मन उदास हो रहा है आज लास्ट कीर्तन है ना, मन बड़ा उदास हो रहा है, जैसे बेटी अपनी माई के तुम्हें सुना 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 सा लगेगा। आज का तो मैंने सोचा नहीं था कल लास्ट होगा ना, पर चलो ओम है जीवन हमारा ओम प्राण धार है, ओम है कर्ता विधाता ओम पालनहार है, ओम है दुख का विनाशक ओम सर्वाधार है, ओम है बल तेज धारी ओम करुणानंद है, ओम सबका पूज्य है हम ओम का पूजन करें, ओम के ही ध्यान से हम शुद्ध अपना मन करें, ओम के गुरु मंत्र जपने से रहेगा शुद्ध मन, दिन प्रति दिन बढ़ेगी धर्म में होगी लगन, ओम के जप से हमारा ज्ञान बढ़ता जाएगा, अंत ओम हमको मुक्ति तक पहुंचाएगा। तो फ्रेंड्स ये मेरा एकादशी स्पेशल ब्लॉग था, कीर्तन स्पेशल भी था और मेरा व्रत का जो मेरा पहला व्रत हुआ है उसका भी था। बस घर आके हमने पूजा पाठ की और इसके बाद मैंने व्रत खोला और सबने खाना खाया और अभी मेरे छठा सातवां आठवां और नवां चार ब्लॉग बचते हैं नवरात्र कीर्तन के, जो कि सब बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं जिनके घर में कीर्तन हुआ है, और अब मैं सब ब्लॉग डालूँगी क्योंकि एक बहुत अच्छी सी यादगार होती है जब हमें अपने मोमेंट याद करने होते तो हम वीडियो निकाल के देख लेते हैं। इसी के साथ आप सबको राम राम जी।